कहीं आने वाले समय में नोकिया का जो है कि मार्केट में दबदबा होने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आए दिन नोकिया एक से बढ़ के एक जो है स्मार्टफोन लॉन्च करते जा रहा है, और अलग अलग डिजाइन में अलग अलग लुक्स होते हैं इसके, जैसे कि आप दीवाने हो जाएंगे इस स्मार्टफोन को देख के, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। क्या इसमें फ्यूचर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलेगी, सब कुछ मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ। इसकी लॉन्चिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है। देखिए इसमें सबसे पहले तो 8 GB रैम मिलता है और 256 GB इंटरनल स्टोरेज, लेकिन आप इसे बढ़ा के 512 GB इंटरनल स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें आपको 2K रेजुलेशन मिलता है, और अगर हम स्क्रीन की बात करते हैं तो 3.7 इंच का AMOLED और क्यूरिटी कीबोर्ड भी साथ में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें जो है कि 64 और 12 मेगापिक्सल का बैक में कैमरा दिया है, वहीं 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में आपको सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए कैमरा देता है। और ये जो एंड्राइड है, एंड्राइड 13 OS पे आधारित है, यानी 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये स्मार्टफोन वर्क करने वाला है, यानी चलने वाला है। इसमें आपको 6200 mAh की बैटरी दे दी जाती है। और अगर हम इसके प्रोसेसर चिपसेट की बात करें तो देखिए इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650 का चिपसेट देखने को मिलता है। कहीं यहाँ पे आपको रियल और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन ही मिलती है।